हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट रस मलाई। आप ये देख सकते हैं, ये हम सर्व कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने बनाई है इसको, हमें बेसिकली सर्व करने से पहले 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होता है, उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हमने ये जो पनीर बनाया था, 1 लीटर दूध में आधा नींबू का रस निचोड़ करके, और इसको हमने 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, सारा पानी निकल जाए जिससे कि, और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों से। और ये हमने इसमें अब पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है जिससे कि हमारी रसमलाई एकदम सॉफ्ट बनती है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हमने 1 कप चीनी डाली है और 5 कप हमें पानी डाल लेना है, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये हमने थोड़े से दूध में केसर भिगो के रख दिया था, और 1 चुटकी हमने डाल दिया है पिसी हुई इलायची का पाउडर, और अभी हमें इसको और थिक करना है। तब तक हम ये जो हमारा छेना है इसका अच्छे से हम इस तरीके से छोटी छोटी शेप में टिक्कियां बना लेंगे। तो इसमें जो छेना, 1 लीटर दूध में जो छेना बना है उसमें टोटल 8 से 9 टिक्कियां हमने बनाई हैं। बहुत ही इजी एंड डिलीशियस रेसिपी है, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं तो उससे जो हमारे छेने की बॉल्स हैं एकदम सुपर सॉफ्ट बनती हैं, मुँह में बिल्कुल भी आपको दांतों से चबाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम सारे छेने की बॉल्स बना लेंगे और हल्का सा उंगलियों से उसको प्रेस कर लेंगे। तो हमारी सारी छेना बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और हमारा जो शुगर सिरप है वो भी बॉईल हो गया है। अब हम आंच को मीडियम रखेंगे और इसमें एक एक करके सारी छेना बॉल्स को डाल देंगे। डालने के बाद इसको हमें ढक करके 15 मिनट के लिए पकाना है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो रस मलाई है एकदम तैयार हो रही है। अब हमने इसमें डाल दिया है 3 टेबलस्पून चीनी। उसके 5 मिनट बाद इस थिकनेस की हमें मलाई चाहिए। हमारी छेना बॉल्स भी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको ढक्कन हटा करके थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद एक बोल में निकाल लिया है हमने, और ऊपर से अब हम इसको रबड़ी को डाल देंगे जो हमने बनाई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, इसको सर्व करने से पहले फ्रिज में 2 घंटे चिल करके सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा।